शास्त्री जी आ गए। चलो भाई लोग, चलो चलो आगे। बाबूजी, बाबूजी मंदिर में मूर्तियां नहीं है, ये सब क्या है शास्त्री जी? यहाँ हम सब बौखला रहे हैं और आप बुद्ध बनकर खड़े हैं। मुझे ज्ञात है मंदिर में मूर्तियां नहीं। कहाँ है? पता है तो बताइए कहाँ है मूर्ति? वो मूर्तियां मंदिर से स्वयं मैं लेकर गया हूं। कह रहे हैं बाबूजी? हाँ बेटा, मैं स्वयं उन्हें मंदिर से लेकर गया हूं। और कहां कहां लेकर गए हैं आप मूर्ति? अरे कहां, छोड़िए, आप उन्हें यहां से लेकर गए ही क्यों? माना कि वो आपके दादाजी की संपत्ति थी, उन्होंने एक बार मंदिर में मूर्तियां स्थापित कर दी तो मूर्तियां मंदिर की हो गई है। आपका कोई अधिकार नहीं है उन्हें यहाँ से लेकर जाने का। हाँ, कोई अधिकार नहीं है यहाँ से ले जाने का। आप कैसे चुप रहने से बात नहीं बनेगी शास्त्री जी, आपको हमारे सारे सवालों का जवाब देना होगा। देना होगा जवाब, देना होगा जवाब आपको। हाँ, आप जानते हैं शास्त्री जी, आपने कितना बड़ा अनर्थ किया है। आप जो चुप्पी बता रही है कि आपने मूर्तियां चुराई ही नहीं बल्कि कहीं उसे बेच दी है। अपराध किया है आपने, जवाब देना होगा शास्त्री जी। आप चुप इसलिए हैं क्योंकि आपने अपराध किया है। आपने भगवान को मंदिर से अलग किया है शास्त्री जी, आपने पाप किया है, घोर पाप। चलो भैया, अब यहाँ से चलो, इस मंदिर में भगवान नहीं रहते, उन्हें तो शास्त्री जी ने बेच दिया है। चलिए चलिए चलिए, शास्त्री जी तो मूर्ति चोर है। चलो, मूर्ति चोरी की है शास्त्री जी ने। अरे भाई, सब तैयार हैं तो चलें, निकलें। हाँ दादी माँ, हम तो सब तैयार हैं। अरे माधव काका, ये सामान जरा गाड़ी में रखवाइए। चलिए ताई जी। चलो दादी। तू कहाँ चला? आप लोगों के साथ। तेरा वहाँ क्या का? दूल्हे नहीं जाते। पर भैया, फिकर की कोई बात नहीं है, कोई सूचना या समाचार हो तो आप हमें बता दीजिए। काहे कि हम तो राधिका जी से मिलेंगे ही और खूब देर तक बतियाएंगे भी, तो हम उन्हें बता देंगे कि देव भैया जो है वो घर की रखवाली कर रहे हैं। दादी माँ, मुझे क्यों छोड़कर जा रहे हो? मैं यहाँ क्या करूंगा अकेले? क्या करूंगा? अरे बेटा, बहुत सारा काम है, तू मेहमानों की लिस्ट बना। दादी माँ, वो तो आधे घंटे का काम है बस। लो सुनो, 1000 लोगों की लिस्ट बनाने वाला तू एक ही होगा जो आधे घंटे में करेगा। 1000? हाँ, उससे भी ज्यादा। और अच्छे से लिस्ट बनाना, कोई नाम छूट ना जाए। अब मनुहार करने का समय तो है नहीं, लेकिन विशेष अतिथियों को फोन भी कर देना। तू चिंता मत कर, इतना सब अच्छे से करेगा ना तो शाम हो जाएगी।
बुआ जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे जी? सब ठीक तो है ना? राधिका बिटिया, बिटिया क्या हुआ है? क्या हुआ लल्ला? सुबह की आरती इतनी जल्दी संपन्न भाई? करवा दी होगी, समझाने वाले आने वाले हैं ना, इसलिए है ना? बताना राधिका क्या हुआ है? माँ, भक्तजन बहुत गुस्से में है, मंदिर में मूर्तियां नहीं है। और किसी को भी पता नहीं है कि मूर्तियां कहां गई। पर मूर्ति गई कहां लल्ला? वहां बाबूजी ने सबसे कहा कि वो मूर्तियां उन्होंने उठाई है। कहा नाप शनाप बोल रही है चोरी लल्ला? ये सच है का? क्यों कहा आपने ऐसा? बताइए ना जी, क्या बात है? कहां है मूर्ति? जी सच क्या है? मैं बात करती हूं उनसे। के इस तरह से चुप रहने का कोई ना कोई कारण तो अवश्य है जी, बताइए ना क्या बात है? देवकी जी, कृपा करके इस विषय में मुझसे कुछ न पूछे। असत्य मैं कहूंगा नहीं और सत्य मैं बता नहीं सकता। ऐसी बातें मत कीजिए जी, मैं पत्नी हूं आपकी, अपना तो मुझसे नहीं बांटेंगे तो और किससे बांटेंगे? देवकी जी, वो समझाने वाले आने वाले हैं ना, वो सारे प्रबंध हो गए जी? सभी तैयारियां हो गई हैं, बस वो चंद्रहार। हाँ, चंद्रहार। अब चिंता न करें देवकी जी, प्रबंध हो जाएगा। सुनिए जी, कहीं आपने वो मूर्ति? देवकी जी, कृपया इस विषय में वार्तालाप न करें, विशेष तौर से राधिका के सामने तो कदापि नहीं। मैं वो चंद्रहार लेकर आता हूं। बाबूजी, आप कहीं जा रहे हैं? अगर कोई भी काम है तो मुझे बता दीजिए ना, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। आज आप घर पे बैठ के आराम कीजिए। नहीं नहीं बेटा, मैं स्वस्थ हूं। और वो समझाने वाले और उनका परिवार आता ही होगा, तो भी तैयार नहीं हुई। बाहर का काम मुझ पर छोड़ दे। कहा
बहुरिया, लल्ला ने बतायो नहीं कौन सी चिंता उसको खाए जा रही है? माँ, आपकी बात हुई बाबूजी से? क्यों उन्होंने मूर्ति खोने का इल्जाम अपने सर ले लिया? तू चिंता मत कर, तेरे बाबूजी सब संभाल लेंगे। तू जाके तैयार हो जा बिटिया, समझाने वाले बस आते ही होंगे। राधे 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 राधे। शास्त्री जी नहीं दिख रहे जी? वो एक यजमान के यहाँ पूजा में गए हुए हैं, बस आते ही होंगे। लो, घर में मेहमान आने वाले थे और ये ज्ञानी पुरुष निकल लिए पूजा के लिए। इट्स ओके चाचा जी, अब पूजा नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा? फिर बेटी की शादी भी तो करनी है। राधिका तैयार है जी? मैं उसे बुलाती हूँ। हमारी राधिका कितनी प्यारी लग रही है, कहीं नजर ना लग जाए, है ना बहू जी? शास्त्री जी के आते ही हम रस्में शुरू कर देंगे। हाँ जी, हमको तो लगता है शास्त्री जी चंद्रहार का इंतजाम नहीं कर पाए। तभी ना भागते छिप रहे। सुशील, अरे मजाक कर रहे चाची ना, मजाक कर रहे। अब समधियों के साथ ऐसी ठिठोली नहीं कर सकते का? अगर ये ठिठोली है तो हरगिज नहीं। देवकी बेटा जी, शुभ मुहूर्त रहते ही हम रस्में कर लें शास्त्री जी के बगैर। जी
सौभाग्यवती हो। जल्दी से हमारे घर में गृहलक्ष्मी बनकर आओ। याद है दादी, जब मेरी शादी हुई थी तब आपने मुझे धन लक्ष्मी कहा था। वैसे बाबूजी, हम कह रहे थे कि सारा फंक्शन खत्म होने आया अब और शास्त्री जी अभी तक नहीं आए, कितनी देर वेट करेंगे? और मैं आप लोगों के लिए जलपान लाती हूँ, तब तक वो भी आ जाएंगे। कहा है कि हम लोग ठहरे गरीब लोग, अचानक चंद्रहार के इंतजाम में जंजाल हो गयो। अरे तो हम का अपने लिए मांग रहे हैं, शास्त्री जी की तरफ से हमारी कुलदेवी के ऊपर चढ़ाया जाएगा उहा। सदियों पुरानी परंपरा है, कोई मजाक बात नहीं है। भाभी जी, अरे न चाहते हुए भी शादी में अब शगुन हो ही गया। माँ जी, मेरे ख्याल से हम लोग को चलना चाहिए। दिल्ली पहुंचने में काफी वक्त लगेगा, सूर्यास्त हो चुका है। देवकी बेटा, एक बार फोन करके देखो ना, जहां शास्त्री जी पूजा के लिए गए हैं। मुझे उस घर का नंबर नहीं पता। हम तो कहते हैं चलिए। कर दी मेहरवा आते आते, आपके बगैर इस सारी रस्में पूरी हो गई। शास्त्री जी, सारी रस्में कहां चाचा जी, अभी एक इंपॉर्टेंट कस्टम तो बाकी है चंद्रहार का। हाँ बड़ी बहू बोल रहे हैं ना, याद है हमको। हाँ बोलिए, कुलदेवी के लिए चंद्रहार लाए हैं। हम जानते थे और अम्मा जी के बात करने के अंदाज से तो हमको कंफर्म हो गया था कि आप जो है चंद्रहार का इंतजाम नहीं कर पाए, तभी ना मारे छिपे छिपे घूम रहे। शास्त्री जी, अगर चंद्रहार का प्रबंध नहीं हुआ है तो इसमें। माँ जी, इस विलंब के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ।